नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत से हमारे फ्रेंड हैं, जूनियर्स हैं, फ़ोन करते रहते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, दवा की कंपनियों में काम करते हैं और हमसे पूछते रहते हैं कि हम मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ खोलें, कब खोलें, क्या क्या दवाइयाँ रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछते रहते हैं, तो हम आपको विस्तार में इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपके पास कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपये होना चाहिए और आपके पास एक रूम होना चाहिए। रूम का भी एक माप होता है। रूम के अलावा आपको अलमारी, काउंटर वगैरह चाहिए और 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आपको मेडिसिन रखनी पड़ेगी। दोस्तों, पेटेंट मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन दोनों आपको रखनी पड़ेगी। OTC मेडिसिन है वो भी रखनी पड़ेगी। और उसके बाद आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर शुरू करने के बाद जो भी आपके एरिया में डिमांडिंग मेडिसिन है उसको आप रख सकते हैं। जो डिमांड आती है उसको आप मंगा कर रख सकते हैं। फिर आपका 2 से 3 साल 4 साल लगेगा दोस्तों, आप मेडिकल स्टोर आपका आसानी से बहुत अच्छा चलने लगेगा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मेडिकल स्टोर बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सारी बीमारियाँ भी आ गई हैं जिनकी वजह से मेडिकल स्टोर बढ़ रहा है, तो दवा की बिक्रियाँ भी बढ़ रही हैं। हाँ, हालांकि रेट का कंपटीशन हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आप मेडिकल स्टोर आसानी से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपये होना चाहिए और आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस एक साहस का कार्य है, सबके पास का नहीं होता है, बहुत साहस रखना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने बहुत कम पैसे से मेडिकल स्टोर शुरू किया था, 2 साल हो गया है, तो काफ़ी पैसे मेरा इसमें से निकल चुका है और इसी पैसे से मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। तो अगर और कोई समस्या है दोस्तों, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम बहुत ही जल्द और उचित आपको सलाह देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।